Hi, I am Mary Kom. You're watching Expo India. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चारा घोटाले में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली है और चारा घोटाले में हर केस का अलग से ट्रायल चलाने का फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद लालू प्रसाद के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट का फैसला बदल दिया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें चारा घोटाला मामलों में से एक में दोष सिद्ध के बाद लालू और अन्य के खिलाफ मुकदमों पर रोक लगा दी गई थी। यही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में विलंब के लिए सीबीआई की खिंचाई भी की। साथ ही कोर्ट ने ट्रायल को 9 महीने के भीतर खत्म करने का भी निर्देश दिया। बहरहाल आपको बता दें कि 90 के दशक में बिहार में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री काल में लगभग 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ था। वर्ष 1996 में सामने आए इस मामले में लालू यादव के अलावा कुल 47 आरोपी थे, लेकिन लंबे समय से चल रही अदालती कार्रवाई के दौरान 15 आरोपियों की मौत हो गई। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।